हे गाइस, तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ और मुझे लेना क्या है मैं आप लोग बताती हूँ। मेरे पास गणेश जी हैं, करीब इतने बड़े से हैं, और वो मैंने यहीं अपने मायके से ही लिए थे। और कब लिए थे, 5 6 6 साढ़े 6 साल हो गए तब लिए थे। बट उनका जो जोड़ा था ना, लक्ष्मी जी का मतलब सेट जो था, वो उससे हटाकर मतलब वो नहीं लिया था, लक्ष्मी जी नहीं ली थी। तो उसको मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ, मुझे सेम डिज़ाइन की मतलब वैसे ही मिल जाए। हालांकि चाहे कोई भी रख लो अलग से चलेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ सेम वही के डिज़ाइन की मिल जाए तो सही रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहीं पे जो जिस दुकान से मैंने लिए थे उसी दुकान पे अगर मैं जाऊँगी तो हो सकता है मिल जाए। तो मैं वहीं जा रही हूँ, वो लेकर आऊँगी। और कुछ छोटे मोटे सामान है वो भी यहीं से जो लेना है मुझे वो ले लूँगी। तो मार्केट चलते हैं, मैं तो तैयार हो गई हूँ। आद्या भी रेडी हो रही है, दक्ष भी रेडी हो रहा है, राखी भी रेडी हो रही है। दक्ष आद्या दोनों को लेके जा रहे हैं। बहुत देर तक इंतजार किया कि ये सो जाएगा, मतलब दक्ष सो जाएगा तो उसको छोड़ के जाएंगे, लेकिन वो सोया नहीं है। एंड मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताना। मैंने अपना ये वाला सूट पहना हुआ है, ये स्वेटर पता नहीं मम्मी का है शायद, मैंने अपनी मम्मी का ये स्वेटर पहना हुआ है। ये है कुछ तरीके का सूट, बड़ा ही प्यारा लगता है। तो चलो चलते हैं, ठीक है, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। जा रहे हैं, ठीक, दही मछली, ठीक, अभी आ रहे हैं, चल चल जल्दी आए। चलो कौए भागते हुए मिल गए। आधे यहाँ पे कौए दिख रहे हैं तुमको, देखो काऊ काऊ भी कर रहे हैं। काऊ 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 आ जाओ। तो हम लोग जिस काम के लिए मार्केट गए थे वो काम नहीं हुआ, यानी जो मूर्ति है वो नहीं मिली। फिर हम लोग आ गए थे दुकान पे भाई के, तो यहाँ पे दक्ष और आध्या के लिए क्रॉक्स लिए हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और कुछ छोटे मोटे का सामान मार्केट से लेना था वो भी ले लिया था। फिर उसके बाद मैं सीधे घर आ गई थी, क्योंकि दक्ष बहुत परेशान करता है रास्ते में, वो गोदी गोदी रहता है, चलता तो बिल्कुल नहीं है। घर आकर देखा तो मम्मी यहाँ पर दाल धो रही थी, मेरे कहने पे मम्मी बरिया बना रही है मेरे लिए। हालांकि मायके में मेरे 2 बार बरे बन चुके हैं, एक बार मकर संक्रांति पे बने होंगे और एक बार छठी वाले दिन, जिस दिन छठी थी बेबी की उस दिन बने थे। और ख़त्म हो गए, सभी लोग आए, सभी को देना पड़ता, खाना वगैरह खिलाया तो सभी को परोसना पड़ा थाली में, तो सब ख़त्म हो गए थे। और मुझे अपनी मम्मी के हाथ के दही बड़े इतने पसंद हैं कि मुझे किसी और के हाथ के अच्छे लगते ही नहीं हैं। और मेरे ससुराल में और मेरे मायके में दही बड़े की जो बनाने का तरीका है थोड़ा बहुत अंतर है। मेरी सासू माँ कुछ और तरीके बनाती हैं और मेरी मम्मी है वो किसी और तरीके के बनाती हैं, लेकिन अब मुझे वहाँ के भी अच्छे लगने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल होने जा रहे हैं शादी को, अच्छे क्यों नहीं लगेंगे। अब तो खाना पानी सब कुछ वहीं का अच्छा लगने लगा है। यहाँ पे मम्मी ने दाल को धुल लिया है, ये उड़द की दाल है जो काली वाली दाल होती है, वो उसके छिक्कल निकाल लिए हैं, उसको रात भर भिगोया था। यहाँ पे राखी जो है मिक्सी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, दही, वो दही दाल बोल रही हूँ मैं, जो दाल है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में पीस रही है। आप सिल में भी पीस सकते हो, राखी ने सोचा लाइट आ रही चलो मिक्सी से पीस ले, नहीं तो फिर सिल में ही पीसती है। यहाँ पे दिखा रही थी मम्मी कि देखो दाल में कितने कंकड़ होते हैं, ये भी निकालना होता है, तो इनको भी इसी तरीके से निकाला जाता है। तो मैं तो दाल इसी तरीके से धोती हूँ जैसे मेरी मम्मी धुलती हैं। और यहाँ पे अध्या अध्यक्ष दोनों ही खड़े हुए हैं, मेरे पास आ गए थे। एक्चुअली जहाँ मैं इनको ना दिखूँ ना तो पीछे पीछे आ जाते हैं। तो बस अब मम्मी बनाएंगी इसको। दही बड़े बनाने के लिए बहुत से लोग सोडा का इस्तेमाल करता है, लेकिन सोडा से ये होता, दही जो बड़े होते हैं फूलते हैं। इसको एक ट्रिक और है, मेरी मम्मी कभी सोडा वगैरह नहीं मिलाती हैं, नमक मिर्च वगैरह मिला लेंगी, हींग और ज़ीरा ये सब कुछ ऐड कर लेंगी, लेकिन सोडा नहीं ऐड करती हैं। बस इसको फेंटना बहुत अच्छे से होता है, तो इसको खूब फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद
जब बनाएंगे तो दही जो बड़े होते हैं वो अच्छे से फूलते हैं और अच्छे से सिकते भी हैं। तो अभी मम्मी लगाने जा रही है तड़का दही में हींग और जीरे का, वो भी सरसों के तेल से। और जो ये बड़े हैं वो भी सरसों के तेल में ही सेके जाएंगे। सरसों का तेल मतलब बहुत अच्छा होता है खाना बनाने में, और मैं भी हमेशा सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ, और सब्जी वगैरह में भी सरसों का तेल ही यूज़ किया जाता है हमारे घर में। तो दही बड़े भी सरसों के तेल में ही तले जाएंगे। मैं तो ये तो कहती हूँ पूरियाँ भी सरसों के तेल की ही बनाया करें आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो बस यहाँ पे हींग और ज़ीरा इस तरीके से तड़का दिया जाता है दही में, ताकि एक बघार लग जाता है। दही को पतला किया गया है, अगर आपका दही नहीं तो छाछ भी ले सकते हो। और बहुत यम्मी टेस्टी सी खुशबू भी आती है, मतलब उसकी खुशबू से ही लगने लगता है कि जल्दी से आ जाए दही बड़े मेरे सामने। तो बस यहाँ पे मम्मी पहले तड़का लगाएंगी, फिर हाथ से पैक के बड़े को बनाकर कढ़ाई में डालेंगी सेकने के लिए। मम्मी मेरी बहुत जल्दी जल्दी हाथ से पैक के बना लेती हैं। मम्मी से मैंने बोला कि आप कंचली या फिर वो छन्नी या फिर पन्नी या कपड़े से क्यों नहीं बनाते हो? मम्मी बोली जब मुझे आता है ऐसा बनाना तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगी। तो गाइज आप देख सकते हो बड़े कितने अच्छे से कढ़ाई में सिक रहे हैं और फूल भी रहे हैं, यानी बिना सोडा के बहुत ही अच्छे फूल रहे हैं। आप बेसन की पकौड़ियाँ बनाते हो कढ़ी के लिए, तो भी अगर आप बेसन को बहुत अच्छे से फेटेंगे ना तो आपकी पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनेंगी, फूली फूली सी, और बड़े भी उसी तरीके से फूली फूली बढ़िया से बनेंगे। अब क्या करेंगे, अगर आप सूखा खाना चाहते हो तो ऐसे भी एक दो चार निकाल के खा लो। मेरी मम्मी हमेशा मुझे दो चार ऐसे भी निकाल के देती है और हम लोग बड़े चाव से बैठ के खाते हैं। बाकी के आपको बड़ों को पहले पानी में डालना होता है, हल्का नमक डाला होता है पानी में, और उस पानी में इसको भिगोना होता है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है ना, सारा दही एक साथ बड़े अकेले ना पी जाए इसलिए। तो सबसे पहले उनको पानी में डालेंगे, फिर उसके बाद उनको दही में डालेंगे छाछ में। तो ये है करारे से बढ़िया से, आप लोग आइए उठाइएगा मेरे साथ खाइएगा। मैंने भी खाए थे दो चार, बड़े ही अच्छे लगे थे, और बहुत दिन बाद खाए हैं तो बहुत मज़ा आ रहा था, और मैं बहुत मिस कर रही थी इनको। मम्मी को मैंने बोला तो मम्मी ने तुरंत बना दिया। वाह, ये तो मुझे पसंद थे। नानी से मांगो कहते नानी दे दो और बनाएंगी। उठा लो पहले, उठा लो, खा लो, ये खा लो। नानी मैं खा लूँ, पूछो खाओ। तो बस इस तरीके से देखिए मम्मी ने पानी में डाले थे कुछ, और बस हाथ से दबा के निचोड़ के इनका पानी निकाल देंगे और दही में ऐड कर देंगे, और बस इस तरीके के सारे बना के रख लेंगे, और हमारे दही बड़े हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मेरी मम्मी की, ज़रूर बताना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ज़रूर बना के ट्राई करना। एंड मैंने फिर बाद में दूसरे दिन ये वाले खाए थे, क्योंकि ये फूल जाए ना अच्छे से, तब जब ये दही इनमें से लग जाएगा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तब खाए जाते हैं। तो मैंने सूखे वाले आज खाए हैं, दही वाले कल खाएंगे, और वह भी शाम होती जा रही थी इसलिए मुझे मन नहीं था कि मैं खाऊं ये दही वाले अभी, कि गला मतलब पकड़ लेता है, वैसे भी मेरा गला इस टाइम ख़राब ही है। तो बस अभी शाम का टाइम है, दक्ष ना शाम के टाइम पे ही सो जाता है, तो वो सो गया था तो रख लिए बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो गद्दा यहाँ लगा देते, मैं इसी तखत पे सोती हूँ। सभी लोग ज़्यादातर चारपाई जो होती है हमारे यहाँ है उसी पे सोते हैं, लेकिन मैं तखत पे इसलिए सोती हूँ कि मेरी ना कमर में दर्द होने लगता था।
तो बस यहाँ पे मैं बिस्तर लगा रही हूँ और राखी अध्यक्ष को लिए हुए हैं। मम्मी से बहुत सारी बातें हो रही है, शाम की चाय भी बन चुकी है, भाभी को भी चाय पहुँचा दी। हम लोग ना यहाँ पे पास में एक समोसे की दुकान है, बहुत छोटी छोटी समोसे बेचते हैं, तो समोसे जो है इनके टेस्टी बहुत लगते हैं करारे से, तो फिर वही मंगाए थे हम लोगों ने, वो खाए। और बस यहाँ पे मैं बिछा रही हूँ, और यहाँ पे मैं देखो गद्दा डाला है, एक पतला ब्लैंकेट डाला है, फिर उसके ऊपर कम्बल डालूंगी और उसके बाद रजाई डालूंगी, तब जाके सो पाती हूँ। बहुत ठंडक है यार, पता नहीं सकती कितनी ठंड है। अच्छा अब थोड़ी सी ठंड कम हो गई है, लेकिन बहुत ठंड थी बीच में, तो मुझे ऐसे लेयर करके ही सोना पड़ता था, और बच्चों को इस मम्मी भी ऐसा भी रोज घर में ऐसे ही सोते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो ही गई थी। तो गाइज आज मैंने आप लोगों को अपने मायके के बनाए हुए दही बड़े की रेसिपी दिखाई है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और हम सभी लोग इस तरीके से शाम का समय है बिताते हैं और बहुत मज़ा आता है। इसके बाद फिर पापा आ जाते हैं, भाई लोग आ जाते हैं, सब लोग खाने पीने में बिजी हो जाते हैं, और फिर मेरा भी मन नहीं करता है कि मैं आगे ब्लॉगिंग करूं, क्योंकि सभी लोग से बातें करना, बैठना, बच्चे को खिलाना, मतलब थोड़ी देर ऊपर चली जाती हूँ भाभी के पास, तो फिर नहीं होता है कि मैं कैप्चर करूं। बट मायके में आई हूँ तो थोड़ा बहुत आप लोगों को शेयर कर दे रही हूँ शूट करके, बाकी तो खूब इंजॉय किया मैंने। आई होप आपका आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो आप लोगों को। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया है तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।